discuss few questions with you. This one is more stable than this one. एक्चुअली क्वेश्चन में एम ई लिखा हुआ है, एम ई मतलब मिथाइल होता है, तो मिथाइल ये हो गया, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है. ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर हैविंग 6 अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू स्ट्रक्चर हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड द रीजन इज हाइपर कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन इज हाइपर कॉन्जुगेशन. आप चाहे तो लिख ले वहां पे 6 अल्फा और 2 अल्फा, तो 6 अल्फा वाला स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ज्यादा डिस्कस होगा इस क्वेश्चन में. हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम लगी हो कि मिथाइल लिखा हुआ था, एम ई लिखा हुआ था, एम ई इज मिथाइल, ई टी इज इथाइल, पी आर एस प्रोपाइल, आई पी आर एस आइसोप्रोपाइल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखें तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू प्लस, और उसका कंपेरिजन किया हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा सी एच टू प्लस. बेटा रेजोनेंस हैज मोर स्टेबिलिटी व्हेन कंपेयर्ड टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. अब यहां पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और यहां पर दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है, सो ऑब्वियसली द रेजोनेंस, क्योंकि बराबर की चीज मिल रही है हमको, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक स्ट्रक्चर ये मूल स्ट्रक्चर है ही, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस विल बी मोर स्टेबल. फिर भी मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बात बता देता हूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यदि मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखूं, ये डाटा है जो मुझे याद है जो आपके काम आएगा, यदि मैं इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखूं तो वो इसके बराबर आता है सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव चार्ज सी एच थ्री, इसके अप्रोक्सीमेटली बराबर है. इसका मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन होते तो वो इसके बराबर होता स्टेबिलिटी में, 6 अल्फा हाइड्रोजन होते तो इसके बराबर होता स्टेबिलिटी में, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता, क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रोवर्सी है. कई किताबें जो है वो लिखती है कि ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन, कुछ किताबें लिखती है दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, बट समवेयर दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल स्टेबिलिटी, लगभग बराबर स्टेबिलिटी इनकी होती है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन दिस वन. इसमें तो सिर्फ दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि ये कंपेरेबल होता है किसके, 6 के बराबर. इसी प्रकार एक और जो आपको आगे जाकर के कार्बोकेटाइन फेस करना पड़ेगा वो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज पॉजिटिव, और यहां पर दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, दिस इज देयर, और इनकी स्टेबिलिटी भी अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है. सो आप देखें यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन जो है बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, उसके कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली बराबर स्टेबिलिटी लेकर के बैठा होता है, तो आप ये बात आसानी से लोकेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दैट वन. ऑल्दो इट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, आप नहीं देख सकते कई बार कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अफेक्टिव है जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन ज्यादा है या फिर रेजोनेंस ज्यादा अफेक्टिव है, बट यहां पे देख सकते थे क्योंकि यहां पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन सिर्फ दो थे और रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर भी दो मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस हैज मोर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन. पर यदि ज्यादा कर देते हाइड्रोजन तो उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, जैसे इन दो की स्टेबिलिटी बराबर है पर यदि मैं इसको और इसको कंपेयर कर दूं तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस वन. वहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर सिर्फ दो ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं. यदि मैं यहां पे 7 भी कर देता हाइड्रोजन तो भी इसकी स्टेबिलिटी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती, 6 ऑलमोस्ट बराबर है बट 7 पर इसकी स्टेबिलिटी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी. तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा है, याद रखें एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन देता है तो इसके नजदीक आसपास कोई क्वेश्चन देगा, क्योंकि प्योरली एक्सपेरिमेंटल डाटा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, आप अपने दिमागी स्तर पर पता ही नहीं लगा पाओगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में जो बी ऑप्शन है यदि आप देखें उसको, तो इधर this is more stable when compared to this one and the reason is that इसमें आप देखो दोनों की दोनों रिंग आपको बेंजीन रिंग दिखेगी, मतलब दोनों एरोमेटिक रिंग दिखेगी आपको, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इज द कॉमन इलेक्ट्रॉन दैट इज बीन शेयर्ड बिटवीन बोथ द रिंग्स. बट यदि इधर आप रिंग देखोगे तो यहां पर देखने में आपको पता लगेगा ये बेंजीन रिंग आपको 6 इलेक्ट्रॉन लेके है और यहाँ पे सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल. ये दोनों रिंग तुम्हें एरोमेटिक दिखती है, इसमें से फिलहाल स्ट्रक्चर देखने पे ये रिंग एरोमेटिक और ये रिंग एंटी एरोमेटिक दिखती है,
therefore you will say that कि this structure is less stable, this structure is more stable. यहाँ पे 4 pi electron है, यहाँ पे 6 pi electron है, इस ring में भी 6 pi electron है, since these two electrons have been shared between both the rings, therefore this structure is more stable when compared to this structure. Next, both rings are aromatic, aromatic, anti-aromatic. Although यदि पूरा structure देखें तो ये भी aromatic है और ये भी aromatic है, क्योंकि हम outer ring को ही count करते हैं. बट एट वन टाइम दोनों की स्टेबिलिटी देखने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू दैट रिंग. नेक्स्ट यदि मैं आपको बताऊं तो सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एन एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ दिस दिस एन एच नेगेटिव एच. बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान था, यहाँ ओ पे नेगेटिव चार्ज है और इधर एन पे नेगेटिव चार्ज है, सो ऑब्वियसली मतलब द चार्ज विच इज नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू दिस स्ट्रक्चर. आप देखिए दोनों स्ट्रक्चर में सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, सभी के ऑक्टेट जो है वो परफेक्टली कंप्लीट है. इधर हाइड्रोजन ही होना चाहिए और हाइड्रोजन ही है, तो सभी के ऑक्टेट जो है यहाँ पे कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली मतलब ऑक्टेट यदि कंप्लीट है तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे चार सेपरेशन देखते हैं, चार सेपरेशन है नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है. आप कोई क्या नेगेटिव चार्ज पास तो नहीं आ रहे ऐसा कुछ देखते हैं, ऐसी कोई कंडीशन दिख नहीं रही, सिर्फ क्या दिख रहा है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव व्हेन कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. Therefore, negative charge यहाँ पर ज़्यादा stable होगा when compared to that structure. Now, the next one, ये 54 में D था. आप नीचे लिख सकते हैं कि negative charge is more stable on electronegative element. इसके बाद यदि मैं आपसे बात करूँ तो next Now you see this, this ring ये अंदर माइग्रेट करेगा obviously इधर से इधर, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, since there are 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स it is a anti aromatic structure. इस स्ट्रक्चर को देखें, there are 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, subdued sp2 hybridization है, planar structure है, this is a aromatic ring and aromatic ring is more stable than anti aromatic ring, therefore that is more stable when compared to this structure, this is aromatic, this is anti aromatic. Aromatic is more stable than anti-aromatic structure. Therefore, 2 is more stable when compared to the first structure. Next, यदि आप देखें तो CH2 negative. C ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इधर देखें सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच नेगेटिव चार्ज. बेटा यदि आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर C पे नेगेटिव चार्ज है, वहां भी C पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं जबकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो दो डबल बॉन्ड जब कंटिन्यूअसली लगे होते हैं दिस इज नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हरदम बना रहता है. So, कभी भी क्यूमुलेटेड डाइंस या क्यूमुलेटेड एल्कीन्स, क्यूमुलेटेड एल्कीन मतलब जहां पे डबल बॉन्ड लगातार रूप से आ रहा हो, वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होते. एल्कीन तीन प्रकार के होते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन जैसे ये मैं आपको एल्कीन जब टॉपिक आएगा तो उसमें बताऊंगा कॉन्जुगेटेड एल्कीन. एक होते हैं आइसोलेटेड एल्कीन्स, जैसे ये एल्कीन हुआ ये आइसोलेटेड है, बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है तो उसको कॉन्जुगेटेड एल्कीन बोला. फिर तीसरे एल्कीन्स होते हैं को हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड एल्कीन्स, डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कंजुगेटेड एल्कीन्स, उसके बाद आइसोलेटेड एल्कीन्स और सबसे कम स्टेबल होते हैं दैट इज क्यूमुलेटेड एल्कीन्स, मतलब ऐसे एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली होता है. पर ये अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एल्कीन के अंदर मैं आपको
पढ़ाते हुए जरूर लिखवाऊंगा तीन टाइप के एल्कीन कौन कौन से होते हैं। नाउ देयरफॉर दैट स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। ओके, कल तक और आज मिलाकर के मैंने आपको जो रेजोनेंस में चीजें बताई हैं वो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस बताया, कैसे देखना है कि दो स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेटिंग है या नहीं है ये पता लगाओ, तीसरी चीज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया, रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था, आज मैं आपको डायरेक्टिव अफेक्ट्स बताता हूँ कि रेजोनेंस में किस तरीके से डायरेक्टिव अफेक्ट्स होते हैं। तो दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं प्लस एम या इन्हीं को बोलते हैं प्लस आर ग्रुप्स, जैसे बेटा प्लस आई ग्रुप्स होते थे, प्लस आई ग्रुप कौन से होते थे जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चार्ज को ट्रांसफर करते थे टुवर्ड्स द सिस्टम, इसी प्रकार प्लस एम ग्रुप वो होते हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर करते हैं, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं या देते हैं। जैसे लोन पे लगा हुआ है, ये बात आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन से पता है, जब भी किसी एटम पे लोन पेयर है और वो स्वयं sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जुड़ा हुआ है तो ये लोन पेयर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये लोन पेयर इधर से इधर जाएगा तो ऑब्वियसली इस कार्बन पे ऑलरेडी चार बॉन्ड है, इस कार्बन पे पेंटावेलेंसी आ जाएगी, नहीं तो ये पाई बॉन्ड इधर से इधर मूव हो जाएगा। जब मैं एरो इधर से इधर लगाता हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं इस पाई बॉन्ड को मूव कर रहा हूं एक बात, दूसरी बात मैं एरो इधर से ही क्यों बिगिन करता हूं, इसलिए बिगिन करता हूं कि जो बॉन्ड है आइडियली, जैसे ये कार्बन कार्बन है तो बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, आइडियली तो इनके ठीक सेंटर पे, तो मैं जब एरो लगाऊंगा इसका मतलब मैं दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं एरो ठीक सेंटर से लगा करके इसके हेड पर ट्रांसफर करूंगा क्योंकि इसके पी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो आएगा कहां पे, कार्बन पे आएगा, इसलिए मैं इसके हेड पर ट्रांसफर करता हूं। तो एक यूं गया एक यूं गया, तो अब आप देखोगे कि यहां पर वो सारे ग्रुप दोज ग्रुप्स विच ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोज ग्रुप्स विच ट्रांसफर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू द विच ट्रांसफर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेंजीन रिंग इनटू द बेंजीन रिंग एंड हेंस एक्टिवेट्स द रिंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यदि बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होगा, रिंग एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। नाउ सी दिस, ये लोन पेयर अंदर ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर ट्रांसफर हो रही है इनटू द रिंग, दैट मींस रिंग इज गेटिंग एक्टिवेटेड। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस हिसाब से, सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बना ले, यू रिंग बना लिया आपने, यहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, देयरफॉर इस बॉन्ड को बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बना दे। यहां पर लोन पेयर नीचे उतर रहा है तो यहां पे आपने डबल बॉन्ड बनाया ओ एच, क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा है इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज मार्क कर दे, और यहां दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, देयरफॉर नो पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। वापस से देखें, ये लोन पेयर इधर से इधर ट्रांसफर किया, एरो को ठीक हेड से शुरू करें और ठीक सेंटर में लाके एंड करें, एड सेंटर पे आकर के ऐड हुआ मतलब यहां पाई बॉन्ड बन रहा है, और इस पाई बॉन्ड को आगे मूव कर दे, यहां पे क्या जाएगा, लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, क्यों नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है। नाउ इसके बाद लोन पेयर हरदम पहले मूव करता है, यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लोन पेयर ऑलवेज मूव्स फर्स्ट व्हेन कंपेयर्ड टू पाई बॉन्ड, बिकॉज लोन पेयर एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, पाई बॉन्ड दो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, तो क्या होगा, यहां से लोन पेयर एक बार फिर से इधर जंप किया और ये एक बार फिर से इधर जंप कर जाएगा। नाउ आप यहां पे एक बार फिर से नेगेटिव लगा दें, दिस डबल बॉन्ड ओ एच
पॉजिटिव चार्ज। फिर से आप एक बार लोन पेयर को मूव करें, ठीक सेंटर पे आएगा क्योंकि बॉन्ड बना रहा, और ठीक सेंटर से मूव करके हेड पे आएगा क्योंकि वो हेड से इसके पी ऑर्बिटल में आ रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा, दैट स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस। आप लोग इन स्ट्रक्चर्स को जरा गौर से देखते जाएं, इसके बाद मैं आपसे खूब सारे स्ट्रक्चर बनवाने वाला हूं। नाउ सी दिस, ये इधर से इधर मूव हो रहा है, ये इधर से इधर, यहां पर ये, यहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसको ऐसा का ऐसा ही बना देता हूं। ओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा बॉन्ड। लोन पेयर एक बार फिर से मूव करेगा और ये इधर से इधर चला जाएगा। नाउ यू विल हैव दिस 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 एंड वन ओएच। नाउ सी दिस, ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप है प्लस एम ग्रुप। दिस ग्रुप इज प्लस एम ग्रुप एंड दिस प्लस एम ग्रुप के कारण नेगेटिव चार्ज आ रहा है या तो ऑर्थो पोजिशन पे, या तो पैरा पोजिशन पे, या वंस अगेन ऑन ऑर्थो पोजिशन। और यदि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे और एक बार फिर से ऑर्थो पोजिशन पे आया है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि प्लस एम ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। देयरफॉर प्लस एम ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। नाउ सी दिस बेटा, देखो आप देखें लोन पेयर एकदम पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, लोन पेयर नेवर गेट कन्वर्टेड इनटू अ लोन पेयर। लोन पेयर से कभी लोन पेयर नहीं बना सकते। आप कभी यूं नहीं कर सकते कि आपके पास यदि कोई स्ट्रक्चर है तो आपने लिया और यूं यूं ऐसा है, इधर यूं ऐसा है, ये इधर ऐसा है, आपने इसको लेकर इसके टकलू हुए जम करा दिया और यहां पर लोन पेयर बना दिया। नो, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। लोन पेयर विल नेवर फॉर्म अ लोन पेयर डायरेक्टली। लोन पेयर पहले पाई बॉन्ड बनाएगा, हालांकि इस केस में तो पाई बॉन्ड भी नहीं बना था क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। पर आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यूं यूं लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर लोन पेयर है आपके पास और आप इधर से लेकर इसको इधर ट्रांसफर कर दो। दिस इज नॉट परमिटेबल, मतलब दिस इज नॉट परमिटेबल, आपको पाई बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन जिसमें आप खुद स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेटा आप अपनी कॉपी में यदि देखें इन सभी स्ट्रक्चर्स को बना हुआ, तो आपको पता लगेगा कि मेटा पोजीशन पर कोई भी चार्ज नहीं आया। यदि आप देखें तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर तो नेगेटिव चार्ज आया है, पर मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं आया है। यदि मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं आया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एम अफेक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन मेटा पोजीशन। आप लिख सकते हैं वहां पर एम अफेक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन मेटा पोजीशन, एम अफेक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन मेटा पोजीशन, एम अफेक्ट मेटा पोजीशन पर नहीं लगता है। हालांकि अभी मैंने सिर्फ प्लस एम बताया, माइनस एम नहीं बताया, बट उसको बताने से पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आप देखें यहां पे दोस ग्रुप विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब वो ग्रुप जिन पर लोन पेयर है और डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, वो प्लस एम ग्रुप की तरह काम करते हैं। जैसे कि NH2 हो गया, अब NH2 पर लोन पेयर है और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। अब आप देखें NHR ले लें आप, तो NHR में भी यही होगा, ये इधर लोन पेयर है एंड इट विल गेट ट्रांसफर टू द बेंजीन रिंग, देयरफॉर इट वर्क्स एज अ प्लस एम ग्रुप। यदि आप यहां देखें NR2, तो ये भी प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। आगे आप बेंजीन रिंग फिक्स कर सकते हैं, बट नॉर्मली आपको यही ग्रुप देगा और पूछेगा प्लस एम है या माइनस एम है। तो ऐसा ग्रुप जिस पर लोन पेयर है और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, वो प्लस एम ग्रुप ही होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर अंदर रिंग में ट्रांसफर होगा, देयरफॉर इट विल एक्ट लाइक अ प्लस एम ग्रुप। यदि आप आगे देखें तो यहां पर मैं NH C डबल बॉन्ड O CH3 कर देता हूं, ठीक। एंड नाउ देयर इज अ लोन पेयर। नाउ यू सी दिस एग्जांपल, लास्ट वन व्हिच आई हैव रिटन। आप यदि देखो बेटा, तो यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर मूव हुई, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये करेगा तो प्लस एम ग्रुप की तरह काम, बट इट विल वर्क लाइक अ वीक प्लस एम ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग तो है, पर ये उतना एक्टिवेटिंग नहीं है। मैंने 2-3 बार इस शब्द एक्टिवेटिंग का प्रयोग किया है। एक्टिवेटिंग का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे।
मतलब बेंजीन इनको एक्टिवेट करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। नाउ सी दिस, ये है तो, बट इट इज अ वीक प्लस एम ग्रुप, ये वीक प्लस एम ग्रुप है। अब आप एक बार स्ट्रक्चर्स बनाएंगे एनिलीन के अपनी कॉपी के अंदर, मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूं, आप एनिलीन के स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाइए। ये प्लस एम ग्रुप है, मैं आपकी मदद करने के लिए यहां पे लोन पेयर लगा देता हूं। प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। बेटा जिन बच्चों ने भी इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, आप वापस से प्रैक्टिस करें घर पे जाकर के, इसको बार बार बना के देखें और मैच करें अपनी कॉपी में। ऑब्वियसली बेटा लोन पेयर यहां से उतरेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इधर आएगा, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे इस पोर्शन में। और एक बार आपको ये गेम बनाना आ गया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। वैसे तो जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए इसकी, मैं आपको वैसे ही दो चार ब्रह्म वाक्य बता दूंगा, उससे ही काम चल जाएगा। बट कॉन्फिडेंस लेवल आपका तभी हाई रहेगा जब आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख जाओगे। कई बार इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही आईआईटी जेईई का क्वेश्चन आपसे निकलेगा। दो साल पहले एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें यदि आप स्ट्रक्चर बना सकते तो आप कुछ कर सकते थे, यदि स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो आप उस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो शॉर्टकट तो मैं आपको सिखा दूंगा, बट वो शॉर्टकट हरदम हेल्पफुल नहीं रहेगा। देयरफॉर आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा इन बेसिक फंडामेंटल्स पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और ये डिफिकल्ट भी सबसे बड़ी बात ये, फिर से NH2 पॉजिटिव, एक बार फिर से इसको इधर से इधर मूव किया, इसको इधर से इधर, हरदम बेटा लोन पेयर पहले मूव होगा। जहां कोई चेंज नहीं होता उसको तुरंत बना दिया करो, जैसे इधर और इधर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको यूं ही बना दिया, ये मूव हो रहा है तो पाई बॉन्ड बना दिया, ये मूव होके इधर आ रहा है ये लगा दिया, इसको ठीक सेंटर पे लाओ, इसको आगे मूव कर दो, और फाइनली यू विल हैव दिस स्ट्रक्चर। अगेन आप ये बात समझ चुके हो कि मेटा पोजिशन पर अगेन कोई भी चार्ज नहीं आया है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। नाउ यू सी, मैं इसको मिटा देता हूं इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप सभी लोगों ने अब तक बना लिया होगा अपनी कॉपी पर। जिन्होंने नहीं बनाया है वो बच्चे भी इस बात को समझ लो, NH2 पॉजिटिव कर दो, बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे ही बनेंगे जैसे OH के साथ बने थे। वहां भी जहां नेगेटिव चार्ज आया था इधर भी वही नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्रुप तो एक ही टाइप के प्लस एम ग्रुप। नौ सी, मैं कुछ और दिखाता हूं आपको। देखें हम अभी माइनस एम ग्रुप इसके बाद सिखाता हूं। जैसे मान ले बेटा यहां CH2 पॉजिटिव है, यहां ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, और यहां पे मैंने एक ग्रुप लगाया है OH, दैट इज अ प्लस एम ग्रुप, इस पे ऑब्वियसली लोन पेयर है, और मैं देखूं कि क्या अफेक्ट है इस ग्रुप का ऑन दिस CH2 प्लस। तो ऑब्वियसली यदि मूवमेंट करूं तो ये लोन पेयर यहां से यहां मूव होगा और ये यहां से यहां मूव हो जाएगा, इतना आप सीख चुके होंगे लास्ट स्ट्रक्चर में। और यदि ऐसा होता है तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और यहां हो जाएगा CH2 प्लस, ये बन गया यहां पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज H, दिस दिस। आप देखें इस ग्रुप के कारण इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव जब पॉजिटिव के पास आएगा तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, स्टेबलाइजेशन अफेक्ट आएगा। इसका मतलब ये ग्रुप प्लस एम ग्रुप जो कि ऑर्थो पोजीशन पे रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू CH2 प्लस, वो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। लास्ट स्ट्रक्चर में भी आपने क्या देखा था, जब फिनॉल के साथ आप देखते थे तो फिनॉल ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता था। यदि मैं इस ग्रुप को भूल भी जाऊं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, ये फिनॉल यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। यदि बच्चों आपको याद हो यही बात, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और नेगेटिव चार्ज कहां आया था, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो इस ग्रुप के कारण या तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, या तो इधर आएगा, या तो इधर आएगा। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, देखो तो ये और ये 2 और 6, 1 2 3 4 5 6, यदि CH2 को भूल जाऊं तो, या 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 जस्ट अगल बगल वाली पोजीशन जो है, आजू बाजू पोजीशन जो है वो ऑर्थो है, ठीक अपोजिट पोजीशन पैरा है, जो दो बच गई वो मेटा पोजीशन है, 3 5 पोजीशन।
तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसको स्टेबिलाईजेशन कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाईज कर रहा है फ्रॉम ऑर्थो पोजिशन। यदि इसी में मैं यहां पर CH2+ बना दो, बेटा अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये इसको स्टेबलाइज करेगा या नहीं करेगा। ये देखो, ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया। यदि ऐसा होगा, ऑब्वियसली आंसर तो अब तक तुमको पता ही है कि इसका क्या होने वाला है, क्योंकि तुमने वो सेंटेंस याद कर लिया है कि प्लस एम ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो तुम जानते हो यहां पर चार्ज आएगा या नहीं आएगा, ये इधर से इधर मूव करेगा और ये देखो बेटा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। और यदि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस ग्रुप के कारण नेगेटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हो रहा है, तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। अब एक बात और समझना बेटा, जब ये ऑर्थो पोजिशन पे था तो क्या हुआ, जब ये ऑर्थो पोजिशन पे था तो इसने यहां पे फुल नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, जब ये पैरा पोजिशन पे था तो भी इसने यहां पे फुल नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो आप लिख सकते हैं यहां पे रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे आपने देखा था कि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट था, रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। जब वो ऑर्थो पोजिशन पे तो भी फुल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, और जब वो पैरा पोजिशन पे तो भी रेजोनेंस के कारण वो फुल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब एक चीज बच गई है और वो चीज है मेटा पोजिशन पर जब मैं OH ग्रुप लगाऊंगा। मैं आप होशियार बच्चों से ये बात जानना चाहूंगा, आप मुझे ये बात बताएंगे कि जब मेटा पोजिशन पर OH जुड़ेगा तो क्या वो स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा। आप चाहें तो बता सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखें और भी अच्छा है, डायरेक्ट आंसर बोलना चाहें आपकी इच्छा है। वैसे मैं ये चाहूंगा कि आप स्ट्रक्चर बनाएं और बना करके देखें कि मेटा पोजिशन से क्या नेगेटिव चार्ज इस CH2 पर इस पोजीशन पर आ सकता है नहीं आ सकता है। मैं मेटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है और मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख रहा हूं, तो इसको तो स्थिर मान लूंगा। इस ग्रुप का प्रभाव इस पे क्या आ रहा है वो देखूंगा। तो आपको इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हुए देख लेना चाहिए क्या नेगेटिव चार्ज इधर कभी भी आ सकता है या नहीं आ सकता है। यदि आएगा तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आएगा वो आप स्ट्रक्चर बनाओ और दिखाओ कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां आने वाला है। ओके बेटा, ज्यादातर बच्चों ने स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही बनाया। ये इधर से इधर मूव करो, इसको इधर से इधर मूव करो। जब आप ऐसा करोगे तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर इसको इधर से इधर मूव करो, इसको इधर से इधर। फिर ये जब इधर से इधर मूव होगा तो ये आगे मूव हो जाएगा। तो अभी देखो बेटा, तो आपको OH के रिस्पेक्ट में ये लगा है OH, इसके रिस्पेक्ट में ये रही ऑर्थो पोजीशन और ये रही ऑर्थो पोजीशन, ये रही पैरा पोजीशन, ये रही मेटा पोजीशंस। तो ऑर्थो पोजीशन पे पैरा नेगेटिव चार्ज आया, जस्ट अपोजिट पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया और एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, पर कभी भी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया है जो इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन है। देयरफॉर ये इसको स्टेबलाइजेशन नहीं देगा, तो ये इसको स्टेबिलिटी किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं करने वाला है। देयरफॉर वी कैन से दैट एट मेटा पोजीशन प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप विल हैव नो इफेक्ट। हालांकि माइनस एम ग्रुप के साथ मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाए ये स्ट्रक्चर्स, माइनस एम ग्रुप के साथ दिखाता हूं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ भी यही स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर हम एक क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसको सॉल्व करेंगे।
नाउ मैं इसको मिटा देता हूं, आई होप आपको ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ चुका है। नाउ अब तक मैंने आपको जो ग्रुप बताए हैं वो ग्रुप बताए हैं प्लस एम ग्रुप, बट अब मैं आपको माइनस एम ग्रुप्स बताता हूं। ऑब्वियसली प्लस एम ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जबकि माइनस एम ग्रुप वो ग्रुप होंगे जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर अपनी ओर निकालेंगे। तो माइनस एम ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो माइनस एम ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो सी एच ओ, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जैसे कि एनओ टू, जैसे कि सी एन, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज माइनस एम ग्रुप्स। ऑल दोज ग्रुप जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज अपियर हो और वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हो, जैसे सी एच ओ आपने ले लिया, तो आप यदि सी एच ओ को बनाओगे तो इट विल बी समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखेगा वो। और यदि आप देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर की ओर अपनी ओर खींचेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूं ऊपर की ओर विड्रॉ करेगा तो उसी वक्त ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, और जिस वक्त ये बॉन्ड मूव होगा उसके बाद जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस। यहां कुछ आ जाएगा सी, इधर ओ, ओ पर नेगेटिव चार्ज एच, यहां पर कोई चेंज नहीं था, इसको वैसा का वैसा ही बना दिया। नाउ यू सी दिस, अब मैं पाई बॉन्ड को इधर से इधर मूव कर रहा हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर पाई बॉन्ड को इधर से इधर क्यों मूव कर रहे हो, ऐसा मूव करो, जबकि मैं मूवमेंट कैसा कर रहा हूं, मैं मूवमेंट ऐसा कर रहा हूं। तो बच्चों को लग सकता है कि सर आप इस पाई बॉन्ड को यूं क्यों मूव कर रहे हो, पहले इसके टकलू पे मूव करो उसके बाद आगे बढ़ाना। बट देखना यदि मैंने इसको इधर मूव किया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मान ले बेटा मैं पाई बॉन्ड को इधर से इधर मूव करता हूं तो उस केस में इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जीरो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जीरो चार्ज है, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर चार चार्जेस है, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, दिस इज टू मच ऑफ द चार्जेस। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज्यादा चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं वो स्ट्रक्चर मतलब कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। अब आप समझना इस शब्द कॉन्ट्रीब्यूटिंग का मतलब, जैसे कि मान लो किसी एक चीज के पांच स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जैसे फिनॉल के पांच स्ट्रक्चर बन रहे थे, आप फिनॉल का स्ट्रक्चर वापस से देखो, जो मैंने आपको फिनॉल के पांच स्ट्रक्चर बनवाए भी थोड़ी देर पहले, देखो आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल, उसमें आप थर्ड स्ट्रक्चर को देखो और थर्ड स्ट्रक्चर में देखना आप चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा है, एक में नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बिलो आ रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ऊपर आ रहा होगा। दिस स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग दोस फाइव स्ट्रक्चर्स, क्यों, क्योंकि उसमें जो चार्ज सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है और चार्ज सेपरेशन के ज्यादा होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, सो दैट विल बिकम लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें से सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, फिनॉल का थर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि आप देख रहे हो कि चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा है। नाउ सी हियर, यहां पर यदि आप ध्यान दें तो इसका मतलब मैं ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैंने आपको ये बोला था कि आप चाहें तो पाई बॉन्ड से डायरेक्ट पाई बॉन्ड बना सकते हैं, परंतु आप कभी भी लोन पेयर से लोन पेयर नहीं बनाते, तो मैं अब की बार डायरेक्टली पाई बॉन्ड को मूव कर दूंगा इधर से इधर, डायरेक्टली पाई बॉन्ड को मूव कर दूंगा इधर से इधर। इसका मतलब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनने वाला है वो स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा, पाई बॉन्ड ये गया, यहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो उसको मैं वैसा का वैसा ही बना दूंगा, ओ ओ पे नेगेटिव चार्ज दिस। अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जब इधर आ गया तो नेक्स्ट पाई बॉन्ड इसकी ओर सामने यू मूव हो जाएगा तुरंत, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट स्ट्रक्चर विल लुक समवट लाइक दिस। हरदम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो इस टाइप के साइंस बीच में लगाने हैं आपको लाइक दिस, ये इधर आ गया, यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज एंड यू हैव सी ओ ओ पर नेगेटिव चार्ज एच एंड हियर इट इज। अब कौन सा बॉन्ड मूव करेगा, अब ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, जब ये पाई बॉन्ड इधर मूव करने लग जाएगा तो सी पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली लोन पेयर ऊपर से नीचे उतर आएगा एंड स्ट्रक्चर विच यू विल हैव विल लुक समवट लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ये आया बॉन्ड इधर, इधर हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन एच, सो स्ट्रक्चर आपका जो है एल्डिहाइड का कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सो यदि देखें तो
यहां पे माइनस एम ग्रुप हमने लगाया हुआ था। माइनस एम ग्रुप लगाने पर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आया। पॉजिटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजिशन पे आया, या तो पैरा पोजिशन पे आया, या एक बार फिर से ऑर्थो पोजिशन पर आया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि माइनस एम ग्रुप इज, माइनस एम ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर, अब मैं इलेक्ट्रोफाइल ना लिख के न्यूक्लियोफाइल लिखूंगा क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को खुद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो ऐसी जगह पे अटैक नहीं कर सकता जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट है। वैसे भी बेटा ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेटेड रिंग है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच ली गई है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वैसे भी स्लो हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अब यहां पर अटैक करेगा बिकॉज रिंग पर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो रहा है। देयरफॉर दिस माइनस एम ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर ए न्यूक्लियोफाइल, फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। यदि इस पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने के लिए तो वो हरदम मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा, वो कभी भी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैक नहीं करेगा। सो इट बिकम्स माइनस एम ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। आप ये बात सोच सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा डीएक्टिवेटेड रिंग पर? कर सकता है बशर्ते इफ इट इज अ वेरी वेरी एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल लाइक एनओ टू प्लस, वो अटैक कर देता है। ये बात आपको मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब मैं आपको बेंजीन पढ़ा रहा हूँ कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर देंगे या किन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, स्पेशली जैसे एनओ टू प्लस हैवीली मतलब इट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, ये दोबारा भी अटैक कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनओ टू प्लस। नाउ सी हियर, यहां पर अब आप देख सकते हैं कि दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर द न्यूक्लियोफाइल। जब भी पॉजिटिव चार्ज आया वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ही आया। अगेन आपको एक बात समझ में आया कि मेटा पोजिशन पर कभी भी चार्ज नहीं आया है तो वो सेंटेंस अभी भी उतना ही सत्य है जितना पहले था कि एम अफेक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन मेटा पोजिशन, एम अफेक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन मेटा पोजिशन। आप इसको बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक वर्क देता हूं, आप उसको करें। इसको बनाने के बाद आप यही स्ट्रक्चर्स NO2 के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी मदद के लिए मैं NO2 को थोड़ा अच्छे से यहां बना देता हूं, दिस दिस, ये इधर से इधर मूव करने वाला है। आपको यदि ये लगे कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो बिल्कुल भी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन की ओर ऑलरेडी लोन पेयर जा चुका है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आगे के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेंगे ट्राई करें, पहले इसको नोट कर लें फिर अगले स्ट्रक्चर ट्राई करें।